आज के दिन की बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजादी के अमृत महोत्सव में हम सब प्रवेश कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बैठा हुआ बहुत देर से ये सोच रहा हूँ कि हम लोगों के बीच में जिनकी याद में यह कार्यक्रम हम कर रहे हैं, मुख्तार अहमद साहब के, उनकी शख्सियत क्या रही होगी। यहाँ पर जब देश में, पूरी दुनिया में दो तरफा बातें चल रही है, सब जगह बिखराव हो रहा है और यहाँ पर हम लोग इकट्ठे होकर जुड़ने की बात कर रहे हैं और इस कार्यक्रम में जब आप बुलाते हैं, और मैं यहाँ पर यह भी सोच रहा था कि कितनी बड़ी शख्सियत होंगे कि आप लोगों ने यहाँ पर कोई ऐसे कवि नहीं बुलाए जो बैठ करके रो रहे हैं। आपने हंसने वाले कवि बुलाए, प्यार की बातें करने वाले कवि बुलाए, अमन चैन की बात करने वाले कवि बुलाए। निश्चित तौर से ये सब एक शेर, मुझे नहीं पता शायर का नाम याद नहीं आ रहा, शायद कैमोरी साहब मुझे याद दिला दें, क्योंकि उनको हो कि एक शेर मैं यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ, तुम्हारी शख्सियत से यह सबक लेंगी नई नस्लें। वही मंजिल पे पहुंचा है जो अपने पांव चलता है, मिटा देता है कोई नाम तक भी खानदानों के, किसी के नाम से मशहूर होकर गांव चलता है। आज जो है, जो आज जो माहौल है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि मुख्तार अहमद साहब के भीतर कितनी ज्यादा चीजें होंगी कि उनके मशहूर होकर के पूरा का पूरा सभी पूरा परिवार है। इमरान भाई है, हालांकि इमरान भाई को देख करके मुझे इमरान हाशमी की याद आ जाती है, लेकिन हाशमी कमाल की बात है। बार बार शंकर जी मुझे कह रहे थे कि शंभू जो है मेहमान है। मैं बहुत देर से यह भी सोच रहा हूँ कि अगर काशी में शंभू मेहमान होगा तो कैसे काम। ये बात, वाह 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 वाह, जिंदाबाद शंभू, वाह वाह। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं, कह रहे थे थोड़ी देर पहले हिंदू भी पिए, मुस्लिम भी पिए। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, हमारे यहाँ ना हिंदू पी सकता है ना मुस्लिम पी सकता है, हमारे यहाँ शराब बंदी है। मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ। क्या बात, क्या बात, नए आए हैं, एक बार वो भी कोई अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ जाइए। हंसने हंसाने की बात चल रही है। मैं बहुत एक बार धन्यवाद कर देना चाहता हूँ मेरे बहुत ही प्यारे छोटे भाई दमदार, बनारसी का। दमदार कहाँ है, उसमें बैठा हुआ है। कि दमदार ने मुझे फोन 3 दिन पहले ही किया कि आपको आना है, और कई बार आपको बहुत जरूरी काम होते हैं, लेकिन स्नेह की कोई कीमत नहीं होती, प्रेम की कोई कीमत नहीं होती, अपनेपन की कोई कीमत नहीं होती, और उनका फोन आना ही मेरे लिए बहुत था। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ, जैसी भी व्यवस्था रहेगी वो सब बात की बातें हैं, तुम्हारा फोन आया यही मेरे लिए बड़ी बात है। तो कई बार आदमी बहुत सारी चीजें कमाता है, उसमें से कई कमाई ऐसी होती है जो इंसान के रूप में होती है। तो इस बनारस ने मुझे एक बहुत अच्छा छोटा भाई दिया है, दमदार बनारसी, मुझे उसके अंदर हास्य का बड़ा दम दिखता है, और गुरु जी का आशीर्वाद है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं, जिनके गुरु ही सांड हो तो चेले क्या होंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मैं 4-4 लाइनें आप लोगों को गा गा कर सुनाऊंगा। किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं सपा का आदमी हूँ, ना मैं भाजपा का आदमी हूँ, ना मैं कांग्रेस का आदमी हूँ, मैं आदमी तो मायावती का भी नहीं हूँ। कई बार लोगों को तौलिया वुलिया देखकर शक हो जाता है, तो मुझे पहले से क्लियर करके चलना पड़ता है जी। और रमजान भाई साहब आप बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ, आप बुलाने में आपका बड़ा सहयोग रहा है। आ जाओ, इधर आ जाओ, थोड़ी देर हंसेंगे बैठेंगे आप। हाँ चलिए, एक बार सब जोरदार तालियां बजाइए, मैं शुरू। उत्तर प्रदेश अपने आप में अद्भुत है। योगी जी की सरकार जब पहली बार यहाँ पर आई तो पहला काम किया एंटी रोमियो, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। अच्छा, मैं यहाँ पर बैठा था, मेरे साथ में बैठे हुए साहब मुझे बार बार कह रहे थे कि यार आपने बाल इतने लंबे बढ़ा रखे हैं। ये दमदार भी अपने लंबे बालों की बात कह रहा था। इस कोरोना काल में एक बात जो मेरे साथ घटी, मैं एक दिन स्कूटी पर बैठकर हेलमेट पहनकर निकला, पीछे से 5 मोटरसाइकिल लग गई, 8 किलोमीटर तक पीछा किया। जब बाद में मैंने स्कूटी रोक करके हेलमेट उतारा तो उसी हेलमेट से टूटा,
बोले एक तो इतना महंगा पेट्रोल है और तू ऊपर से भ्रम दे रहा है कि लड़का है कि लड़की है, तो ये भी कमाल हो जाता है लंबे बालों का। लेकिन मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आई, पहला काम किया एंटी डोपिंग, जैसे जूलियट की कोई गलती ना हो। आधार कार्ड मिलवा मिलवा के पीटे जा रहे हैं, आपको पता ही होगा, पहले तो बहुत पीटे जा रहे थे, अब भी पीटे जा रहे हैं कई जगह। उत्तर प्रदेश में योगी जी से पहले हालत यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 4 घंटे बाद ही पूछते थे, बेटा कहाँ रह गई, कब आएगी। अब हालत यह है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 10 मिनट में फोन करते रहते हैं, बेटा किसी स्कूल कॉलेज के बाहर मुर्गा तो नहीं बना। अब बस आप लोग चुन जाइएगा, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर आप लोगों के बीच रहूंगा, लेकिन जितनी देर रहूंगा आप लोगों के बीच में आनंद की वर्षा होती रहेगी, इस गारंटी के साथ। शंकर कैमोरी जी इतना से हैं, मेरे बिहार से हैं, और उनका बहुत स्नेह और आशीर्वाद मिलता है, इतना अच्छा संचालन इन्होंने आज किया है। आप उत्तर प्रदेश में आइए और धीरे धीरे बात को ले चलते हैं। जिस साहब की गरिमा में उपस्थिति है उनको भी प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा, उत्तर प्रदेश योगी बाबा एंटी रोमियो, उत्तर प्रदेश और 4 महीने जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को पिराने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते, कलियों के पास भवरे को जाने नहीं देते। इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, से न बटी हमको बटाने नहीं देते, खुद से न बटी हमको बटाने नहीं देते। आदरणीय श्रीवास्तव जी कह रही है बहुत बढ़िया शब्द, जैसे यही तैयार हो इस काम के लिए। लेकिन भी महिलाओं की भी तो पीड़ा है साहब, लेकिन कोई बहुत अच्छा आपने सुनाया। और सचमुच आजकल गंगा जमुनी तहजीब की बातें जब कमजोर होती जा रही है, ऐसे में आप लोग पूरे परिवार के साथ पूरे हिंदुस्तान को जोड़ रहे हैं, यह बड़ी बात है। 4 लाइन और सुनिएगा, मेरी एक बड़ी समस्या यह है कि अधिकतर लोग मेरा वीडियो बना रहे हैं। भाई मेरा डिजिटल कैमरे से भी नेगेटिव आता है, तो वीडियो बना करके कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन 4 लाइन सुनिए, इधर से एक मैडम भी बना रही है। मैडम नजदीकी बढ़ाने का मन हो तो जूम कर लीजिए, मैं आपके करीब आ जाऊंगा। ये डिजिटल दौर है, उसमें कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बार बार सुना होगा 56 इंच का सीना, कि चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया चढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी भाई किसी की भी बढ़ सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन 4 लाइन आप लोग और सुनिएगा, और बस एक बार, आप लोग बहुत अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से सुन भी रहे हैं, और जस साहब जब बैठे हैं तो मैं सच बता रहा हूँ, मुझे तो जस साहब, मुझे एक अचानक से सच्ची घटना दिल्ली की याद आ गई। वो जस साहब अपनी कुर्सी पर बैठे थे, वकील ने जस साहब की तरफ देखा और एक किताब पढ़ाते हुए कहा, जस साहब कानून की इस किताब के 18-200 के अंतर्गत ये सामने जो व्यक्ति है ये निर्दोष है। जस साहब ने कहा, भाई कौन सी किताब, कौन सा कानून, लाओ। किताब पेश किया गया, पेज नंबर 200 खोला गया तो उस पर 2-2 हजार के 10 लोग। जज साहब ने वो किताब बंद की और बोले, ऐसे ऐसे 5-6 सबूत अगर और पेश किए जाए तो ये आदमी निर्दोष हो सकता है। शासकीय अधिवक्ता भी है, मुझे बता रहे थे मेरे भक्त हैं, यही कह रहे थे जिला शासकीय। नहीं मैं तो दिल्ली की बात, शुरू में ही दिल्ली कह दिया। मैं सच बता रहा हूँ, मैं नोएडा में रहता हूँ, आपके खड़े होकर मैं कह रहा था पुलिस चोर है, इतने में पुलिस वाले आ गए, बोले क्या कह रहा है। मैंने कहा, भाई मैं तो बिहारी आदमी, बिहार की बात कर रहा था। बोले अच्छा, जैसा हमें पता ही नहीं कहा कि पुलिस चोर, कहना क्या चाह रहा था। खैर आइए भाई साहब, आप भी कोई स्वादिष्ट सा पड़ोस देख करके बैठ जाइए। 4 लाइक चुनिएगा, और आप लोग सच में बहुत अच्छा सुन रहे हैं। पिछले दिनों मोदी जी ने बड़े बड़े कमाल किए,
छोटे मोटे कमाल तो मोदी जी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग में से जितने भी लोग हैं सब मेरा ट्विटर खोल के देख लो, मेरा फेसबुक खोल के। जिस दिन ओलंपिक में हमारी टीम गई थी मैंने उसी दिन कह दिया था नीरज गोल्ड लाएगा क्योंकि फेंकने में हमारा मुकाबला नहीं है और हुआ ही ठीक। मैं अपनी मेहनत थी, हम देख रहे थे है ना, 6-7 साल से मेहनत तो करी।